This year, we have invited a special guest, and it is our privilege to have here Dr. Kaushal Pawar Madam. She is a professor in Delhi University in Sanskrit department. She traveled around 18 countries and have awarded Bharat Ratna by Ambedkar Ratna by social organization. She has also awarded by Outstanding Woman Award, and she has taken many. She has been given speeches at many universities, including Harvard. And today, this time, she came to Japan to deliver her speech at Osaka University, and it is our great privilege to have her with us. And I would like to request Dr. Kaushal Pawar to give her speech. Thank you. Jai विश्वविद्यालय के प्रति महान विश्व शांति के प्रति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रति महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सदियों से शोषित समाज की गुलामी की जंजीरों की जकड़न से मुक्त करवाने वाले विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 128वीं जयंती आप सब ढेर सारी शुभेच्छा के साथ कोटि कोटि बाबा साहब को नमन। विश्व ज्ञान के प्रति अर्थशास्त्र के पिता ज्ञान के सागर महिलाओं के सच्चे रक्षक हिंदू कोलमिल के नायक सभी भारतीयों के प्रेरक भारतीय रिजर्व बैंक के संस्थापक भारत के प्रथम कानून मंत्री आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको सभी को मेरा जय दिन बंदे जी ऑर्गेनाइजर और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन जापान हमारे तमाम जितने हमारे भाई बंधु बच्चे और सभी तमाम जिन्होंने यह आयोजन किया सभी आयोजकों को मेरा जय भीम साधुवाद आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया। अभी बच्चों को हम लोग जो सुन रहे थे तो वो एक प्रतीक है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फॉलोअर्स बनने के प्रतीक और क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एजुकेशन पर ही काम कर रहा है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आप जब बच्चों को एक तरह से मंच पर न सिर्फ उनको बोलने का साहस पैदा करवा पा रहे थे बल्कि हमारे जो फोर फादर हैं जो हमारे लिए सब कुछ है कम से कम मेरे लिए तो सब कुछ है आज मैं यहाँ जो खड़ी हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हूँ। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें रास्ता ना दिखाया होता तो आज हम भी वहीं होते जो जहाँ हमारे अभी भी तमाम सैकड़ों महिलाएं और बच्चे हैं जो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जो आज भी अशिक्षित हैं गरीब हैं जो आज भी खानाबदोश की तरह जीवन को बिताते हैं आज भी जो आदिवासियों के रूप में जंगलों पर हैं अभी भी तो ये जो 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 तरक्की जो तमाम जो संसाधन हमारे सामने जो लेने का हक जो हमें मिला वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ही वजह से मिला। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर हम जापान की धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी को मना रहे हैं तो वो क्रेडिट बाबा साहब को खुद जाता है। इसलिए मैं एक बार फिर से जापान की धरती को आपको ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने इतने अच्छे ढंग से आयोजन की शुरुआत की। मित्रों मैं कहना इसलिए भी चाहती हूँ कि जब भारत के बाहर से आवाज आती है किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी जन्म शताब्दी को लेकर तो उसका विश्व में एक अलग तरह का मैसेज आता है। आज मुझे गर्व है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती न सिर्फ स्कूल्स में एजुकेशन फील्ड में बल्कि तमाम ज्ञान के जितने हमारे स्रोत हैं तमाम हमारे जितने भी संसाधन हैं उन सब में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। अभी मैं फेसबुक साथ ही साथ
लाइव भी देख रही थी और अपडेट भी हो रही थी कि भारत के हर एक कोने में, चाहे वह छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजर हो और चाहे वह बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजर हो, चाहे सरकार के द्वारा संचालित हो, चाहे हम अम्बेडकर वादियों के द्वारा संचालित हो, हर हिस्से में, हर घर पर, हर व्यक्ति के बीच में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का गूंज रहा है नाम। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं अगर 20वीं शताब्दी रही होगी गांधी जी के नाम, लेकिन 21वीं शताब्दी जो हमारी है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से है। आज इस बात का हम फख्र है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से दुनिया के तमाम देशों में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि न सिर्फ जापान आपके यहाँ मनाया जा रहा है, बल्कि कनाडा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, तमाम जितने हमारे जो जो ऊंच कोटि के जो संसार के जो क्षेत्र हैं उनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम गूंज रहा है। और न सिर्फ नाम गूंज रहा है, मैं यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए अपनी बातचीत करना चाहूँगी अपने विषय पर आते हुए, बल्कि उनके द्वारा किए गए काम की चर्चा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम जन्म शताब्दियां मनाए, जन्म शताब्दियां तो तमाम मनाई जाती रही है, हमेशा से मनाई जाती रही है, लेकिन उनके काम को, उनकी पहचान को, उनके अस्तित्व को जिंदा रखना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुद कहा था, और अगर मैं उदाहरण दूं, बिल्कुल जो एक तरह से पूरी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो सिकंदर जैसा आदमी था वो भी ये मानता था कि मैं मर जाऊंगा भले ही ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन जो मेरे विचार हैं वो दुनिया के तमाम कोनों कोनों में जिंदा रहेंगे। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमें, हमारे सामने अदृश्य शरीर नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भारत के हर एक कोने में गुजरे, न सिर्फ भारत के कोने में बल्कि दुनिया के तमाम वो उदारवादी लोग जो चेतनाशील वाले हैं, जो समाज को एक बेहतरी की दिशा की तरफ लेकर जाते हैं, जो उदार है, जो समाज, जो समानता का, गैर बराबरी का जो विरोध करते हैं, जो समानता के पक्षधर है, जो लोकतंत्र, डेमोक्रेट, जो एक राइट्स है हर एक व्यक्ति का, वो चाहे किसी भी वर्ग में पैदा हुआ हो, वो चाहे किसी भी जात में पैदा हुआ हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी भाषा में हो, वो हर तरह की जो जो गैर बराबरी है उस गैर बराबरी का विरोध करने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार जिंदा है। और न सिर्फ जिंदा है बल्कि दुनिया के तमाम, जब तक उदारवादी सोच रहेगी, जब तक समानता के पक्षधर लोग जिंदा रहेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा जिंदा रहेगी। और ये यूं ही नहीं कहा गया, विश्व ज्ञान के प्रतीक जो कहा गया वो सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद 19 डिग्रियां थी, जो अपने आप में एक फक्र करने वाली बात है, ना भूतो ना भविष्य, ना हुई है ना होगी। वो इसलिए नहीं कि ज्ञान के प्रतीक थे, बल्कि इसलिए थे कि तमाम दुनिया के सारे क्षेत्र, मैंने पढ़ के सुना है, मैंने अपनी बातचीत यहीं से शुरू की, ना सिर्फ उनका एक क्षेत्र में अधिकार था कि उन्होंने सिर्फ समाज के लिए बराबरी को मिटाने, गैर बराबरी को मिटाने के लिए काम किया, बल्कि वो चाहे रुपए की समस्या हो, अर्थशास्त्री हो, बैंक हो, पानी की समस्या हो, नहरों का जाल बिछाना हो, किसी भी तरह के तमाम जितने भी हमारे जीवन के क्षेत्र है उन पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काम किया है। और न सिर्फ काम किया है बल्कि एक ऐसा विजन हमारे सामने देखे गए हैं, अगर कोई भी स्कूल में जाने वाला विद्यार्थी होगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये सिर्फ दलितों बहुजनों का ही काम नहीं है, बल्कि वो तमाम लोग जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं चीजों को, वो सारे के सारे आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते हैं। और इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनमें कुछ है, जयंती इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि उनके जो विचार है वो आज भी महत्वपूर्ण है। ये यूं ही नहीं कहा गया कि अर्थशास्त्री, जब भारत का अमृत सेन जैसा अर्थशास्त्री ये कहता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेरे भी पितामह है अर्थशास्त्र में, वो इसलिए कहा गया क्योंकि है। और उनके विचारों को जब जब कोई जानता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनके सामने नतमस्तक ना हो, उनके विचार इतने सुदृढ़ हैं। आप देखिए, हम सिर्फ अम्बेडकरवाद के नाम से हम सिर्फ ये मानते कि अम्बेडकरवादी है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम पहुंच जाते हैं वहीं। मैं भारत के कोने कोने में गई हूँ, एक भी ऐसी जगह नहीं जहां मैं भारत के कोने में ना गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको जानती हूँ, बल्कि महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए ये है कि जहां भी हमें अम्बेडकरवादी दिखाई देता है तो उसकी विचार की है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो विचार की है, जो बराबरी का जो अधिकार जो उन्होंने दिया, जो विश्वास जो हासिल किया था समाज में, उस विश्वास की बदौलत हम अम्बेडकरवादी मानते हैं अपने आप। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनके फॉलोअर हैं, फॉलोअर तो बाबा रामदेव के भी बहुत सारे हैं, फॉलोअर तो जितने भी संत महात्मा हुए हैं सबके फॉलोअर हैं। आप राम रहीम का देख लीजिए, फॉलोअर दुनिया भर के हैं, हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने उद्यम मचाया था,
जितने भी संत महात्मा प्रवर तो सबके हैं, कई चाहे किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, लेकिन वादी होना, उस विचार की समझ होना, ये बहुत कम मिलता है। और वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये दुनिया का हमारा इतिहास बताता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक इकलौते ऐसे नेता रहे हैं भारत के, जिनके जिनके पीछे न सिर्फ पुरुष बल्कि भारत देश की हर एक महिला, न सिर्फ दलित बल्कि गैर दलित महिलाएं भी आंख मीच कर उन पर विश्वास करते हुए उनके पीछे पीछे चली गई। ये विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने कर्मों के माध्यम से, कर्म डीड्स का मतलब मेरा काम के माध्यम से, अपने विजन के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से प्राप्त किया था। आज जिस तरीके से हमारे सामने स्थितियां हैं, उन स्थितियों को देखते हुए हमें लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लेकर चलने की जरूरत है। अगर उन विचारों को हम लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिंदा रखेंगे। सिर्फ जयंती से हम लोग जिंदा नहीं रख सकते, बल्कि उनके विचारों को अगर हम जिंदा रखेंगे तो विचार की कभी तक कायम रहेगी। और भाषा काम से, सामाजिक योगदान से भारत का जो नवनिर्माण हुआ है, आज उनके जो विरोधी किसी ना किसी तरीके से जो विरोधी भी हैं, वो भी ये मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंट्रीब्यूशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा है, जो हर एक व्यक्ति से अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, उठने के लिए वो उस कद के सामने नतमस्तक होता है, क्योंकि विचार उनके ऐसे जैसे जितना जितना आप पढ़ते जाए ज्ञान का सागर, ऐसे नहीं कहा मैंने ज्ञान का सागर, बल्कि हम लोग तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ ही नहीं पाए अभी तक, लेकिन एक शुरुआत है और एक शुरुआत में एक बाध्य किया है। हमारी सरकारें भी आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए विवश है, वो चाहे जो भी उद्देश्य रहा हो मैं उस उद्देश्य पर बात नहीं करती, लेकिन आज भारत के कोने कोने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम सिर्फ उनके काम की वजह से, उनके विश्वास की वजह से, उनकी विचारधारा की वजह से है, जो गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, वो चाहे महिला हो पुरुष की क्यों ना हो। मैं सिर्फ लास्ट, क्योंकि मेरे पास नोटिस आ चुका है, और एक टीचर के लिए इतनी मिनट में अपनी बात करना, मैंने तो अभी तक भूमिका ही शुरू की थी, आपने पहले ही मुझे पकड़ा दिया। अच्छा, मुझे मेरा ध्यान उसी पे कर दिया। टीचर तो एक घंटे से पहले तो लेक्चर खत्म ही नहीं करता था, और आपने खुद अपने परिचय में बताया मैं एक देशी से टीचर हूँ, इतनी देर में तो हम बच्चों को सिर्फ बहकाते रहे, क्या करें हम लोग सुनने के लिए क्या करें। मुझे कहानी से याद आया, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए उन बच्चों को भी बीच में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं, और आप बहुत अच्छी तरह उसको ध्यान से समझें। एक जंगल था, और जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे सूखे भी थे, कुछ गीले भी थे। एक बार क्या हुआ, गर्मी के दिनों में वो जो पेड़ आपस में टकराते हैं उनसे या किसी भी कारण से, नेचुरल प्राकृतिक सोर्स की वजह से, उनमें आग, पूरा जंगल धू धू करके चलने लगे। अब ये बच्चों के लिए है, बच्चे अगर नहीं सुनेंगे तो मैं नहीं सुनाऊंगी, फिर मैं कुछ और बात कहना शुरू करूंगी, आप बोर हो जाएंगे। तो वो जो जंगल की आग थी पूरे जंगल में फैल गई, और सारा का सारा जंगल उन्होंने अपनी आग को, आग ने अपनी चपेट में ले ली, धू धू करके आग जलने लगी, पूरा जंगल नाश की तरफ बढ़ने लगा। एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब देखा झांक के कि पूरा का पूरा जंगल तो तबाह हो गया, तो उसने कौवे ने कहा चिड़िया को कि हम भी उड़ जाते हैं, अदरवाइज हम तो मारे जाएंगे, सारे के सारे जंगली जानवर भाग चुके हैं इस जंगल को छोड़ के, क्योंकि जान सबसे ज्यादा कीमती है। तो उस चिड़िया ने कहा कि नहीं, मैं आग जो फैली हुई है इसको बुझाने की कोशिश करूँ। तो कौवा बहुत हंसता है, वो कहता है कि इतनी बड़ी जंगल में जो आग फैली हुई है, तुम्हारी चोंच तो इतनी सी है, इस पानी से जंगल की आग कैसे बुझेगी। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया, ये बच्चों के लिए, कि मैं मानती हूं ये जो आग है मेरे इतनी सी प्रयास से, इतनी सी चोंच में आए हुए पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जब जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तब तक मुझे, मेरा नाम जहां लिखा जाएगा वो आग बुझाने वाला मैं होगा, आग लगाने वाला। इसलिए हमारा प्रयास एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ। एजुकेशन
जब हम एजुकेट होते हैं तमाम डिग्रियां लेते हैं, लेकिन वो डिग्रियां होती हैं, उस डिग्री से हमें रोजगार मिलता है, हमारी पेट पूजा होती है, लेकिन जो ज्ञान मिलता है उस डिग्री से सिर्फ नहीं आता, वो जो ज्ञान है वो चेतना है, वो डिग्री के अलावा आपकी समझ से आता है, आप चीजों को कैसे देखना चाहते हैं। अगर आप इसी नजरिए से देखना चाहते हैं कि आप जो भयानक आग लगी हुई है मैं इसको नहीं बुझा सकता, आप लौट सकते हैं, लेकिन यही एक दूसरा नजरिया है कि नहीं मुझे प्रयास करना है और इस आग को बुझाना है। यही आज हमारी स्थिति है। आज इस तरीके से हमें हमारी एजुकेशन पे, मैं थोड़ा सा बस 5 मिनट इसमें लेना चाहती हूँ, सिर्फ 5 मिनट जो हमारी जो एजुकेशन की स्थिति है, आज हम दोबारा फिर से वहीं खड़े होने जा रहे हैं जहां पहले खड़े हुए थे। आज हम ये तो चाहते हैं कि अम्बेडकर की तरह दिखें, मैं भी दिख रही हूँ, लेकिन कुर्बानी अम्बेडकर की तरह नहीं देना चाहते। जैसे हम बोलते थे कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, आज यही हमारी हालत है। बाबा साहब अम्बेडकर तो हमें चाहिए, लेकिन वो चाहिए नौकरी तक, वो चाहिए संसाधनों पर कब्जे तक, लेकिन जो मूल जो उद्देश्य था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, शिक्षित बनो समित और संघर्ष करो, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। और मैं ये भी बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, माफ कीजिएगा, आज एजुकेशन तो हमने ली है, रिजर्वेशन की बदौलत हम एजुकेट हो चुके हैं, हमारे तमाम जो आज हमारा एजुकेशन का आंकड़ा है, मैं इसको आंकड़े के साथ बता सकती हूँ, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं सिर्फ हवाबाजी नहीं करती, हवाबाजी हमारे यहाँ बहुत करते हैं, तो मैं मेरा कोई इरादा हवाबाजी का नहीं है, मैं सीधा फैक्ट पे बात करना चाहती हूँ। पिछले दिनों हरियाणा में कॉन्स्टेबल की वैकेंसी निकली और उसकी जो मेरिट बनी, मैं ऐसी लड़कियों की बात कर रही हूँ अनुसूचित जाति जनजाति की, तो जो मेरिट थी वो लड़कियों की ज्यादा मेरिट लग गई, लड़कों की कम गई। तो यहाँ इससे आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन के आंकड़े में हम कितने आगे आ चुके हैं। और यहाँ ना सिर्फ यहाँ मैं गैर बराबरी की भी बात कर रही हूँ, जब जब लड़कियों को मौका मिलता है तो वो आगे निकलती है, और यहाँ एजुकेशन में यही हुआ कि लड़कियां इतनी ज्यादा आगे जा चुकी हैं कि उनकी मेरिट बहुत ज्यादा हाई जा रही है, वहीं पर लड़कों की मेरिट, मैं लड़कों को ब्लेम नहीं कर रही, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जब मौका दिया जाता है तो कौन आगे नहीं निकल सकता। हमें याद है ना भीमा दादी ने टॉप किया है, हमें ये भी याद है कि अभी जस्ट अभी जो रिजल्ट आया है हमारे सामने 4-5 दिन पहले यूपीएससी टॉपर का रिजल्ट आया, अभी बार में टॉपर जो रहा और ऑलराउंडर, वो भी दलित समाज से है, हमारे वर्ग से है, और जो पिछला जो टॉपर रही थी वो भी हमारे वर्ग से थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बार बार जो हमें सरकार के दामाद कहकर जो गाली दी जाती है, रिजर्वेशन को प्रतिनिधित्व ना मानकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व की बात की थी, ये कोई रिजर्वेशन की और उसकी ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं है, और ना ये रिजर्वेशन जहाज की रिजर्वेशन, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है, समाज का वो तबका जो सदियों से पिछड़ा रहा था उसका प्रतिनिधित्व हर एक हिस्से पर हो, चाहे वह नौकरी हो, चाहे नेतागिरी में हो, मतलब राजनीति नेतागिरी, आजकल मुझे क्योंकि इलेक्शन चल रहा है ना इंडिया में, तो आजकल वहां ज्यादा ध्यान जाता है क्योंकि डिसाइड करती है ये चीजें हमारी, हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी शिक्षा व्यवस्था, हमारा खाना पीना रहना ओढ़ना, हमारा भविष्य नेताओं के द्वारा क्या होता है, तो इसलिए ये अछूता शब्द नहीं है हमारे लिए। आजकल क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो ज्यादा मतलब अपनापन से ज्यादा लग रहा है कि होगा क्या। खैर मैं बीच में ये काट के उसी वहीं आ जाऊं जहां पर मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ कि एजुकेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन आज जो स्थिति है साथियों, जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि ना सिर्फ एजुकेशन के ऊपर हमला है बल्कि रिजर्वेशन के ऊपर भी हमला है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ, पिछले दिनों 3 एट्रोसिटीज एक्ट 3 तरह के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिए गए, और तीनों के तीनों जो डिसीजन थे वो तमाम, एक तरफ तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती घर घर मनाए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के दिए हुए प्रतिनिधित्व पर कुल्हाड़ी से हमला कर, मैंने कुल्हाड़ी शब्द का प्रयोग किया, और कुल्हाड़ी सिर्फ काटने का काम नहीं करती, मारने का भी करती है। अगर आप मारना चाहें उसको तो मार सकते हैं, और अगर सिर्फ काटने तक सीमित रखना चाहें तो काट, मैं यहाँ दो शब्द प्रयोग कर रही हूँ, कुल्हाड़ी मारना और काटना। काटना जिस तरह के डिसीजन आजकल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है वो हमारी तमाम बौद्धिकता को काटने के लिए समर्थ है, हमारे हम वो लोग जो जो समाज को आगे ले जाना चाहते थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आंदोलन,
फुले सावित्रीबाई फुले का कंट्रीब्यूशन, हमारे तमाम जितने भी हमारे संत कबीर रहे, रैदास जी रहे, और भी जितने हमारे तमाम जिन्होंने इस समाज को एक एक अच्छा समाज बनाने के, समतापरक समाज बनाने के, बराबरी पर लाने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, जो कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को देकर यहाँ तक जो हम लेके आए थे, उस लेकर आने पे यहाँ तक अगर छोड़ दें तो भी गनीमत है, लेकिन उसको अभी कुल्हाड़ी की तरह काटा जा रहा है। रिजर्वेशन पे हमला इनडायरेक्ट तरीके से है, वो चाहे रोस्टर के नाम पर हो, चाहे SC ST एट्रोसिटी एक्ट को ढीला बनाने के नाम पर हो, तमाम बहुत सारे इश्यूज हैं। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो ये कि अब आपको सचिव बनने के लिए, IAS बनने के लिए, ऐसे जो जो कुर्सियां हैं उनके लिए वो जो टेस्ट जो आप बार बार पास करके मेहनत में आ जाते हैं ना, खतरा दूसरा है। अब उनको समझ आ चुकी है कि इन्होंने अभी उनको समझ जा चुके हैं, ये वाला जो अभी रिजल्ट आया, तमाम UPSC का जो रिजल्ट देखने में उनके समझ, आपको मैं बताऊं अब की बार 23 ST ने बिना कैटेगरी में UPSC क्लियर किया है। आप सोच के देखिए 23 IAS जब एक एक डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे तो 23 उनके हाथ में होंगे, तो समाज तो अपने आप आगे जाएगा ना। तो उसका तरीका क्या निकाला उन्होंने कि अब UPSC करने की आपको जरूरत नहीं है, सरकार अपने आप तय कर देगी किसको सचिव बनाना है, किसको मुख्य सचिव बनाना है। तो ये गुनाही की तरह है, ठीक उसी तरह रोस्टर के नाम पर रिजर्वेशन को खत्म कर दो, दूसरे तरीके के और एट्रोसिटी एक्ट को खत्म कर, धीरे धीरे कमजोर बना दो, यानी कि आप हाथ भी अपने ऊपर रखें लेकिन नीचे से सफाई भी करें। हम लकड़ी जब काटते हैं पकड़ के रखते हैं ना एक हाथ से और फिर ऐसे मारते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि उसको छोड़ के हम ऐसे मारना शुरू कर देंगे, तो पकड़ के भी रखें ताकि वो छूट ना जाए, पहले ना छूटे, टाइम पे छूटे, टाइम पे मतलब कटने के बाद गिरे। ये ठीक इसी तरीके की बुनकर है, मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ इनडायरेक्ट तरीके से आप मुझे लगकर समझ गए होंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कुर्बानी खतरे में है, आज संविधान खतरे में है, उस संविधान का पालन करने वाले जिनको हम भेजते हैं अपना प्रतिनिधि चुनकर, वो चटुकारिता करने के अलावा आज कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं, और सिर्फ अपना नहीं पाल रहे बल्कि वो अपने आप को इतना नीचे गिरा रहे हैं कि आप सारी की सारी जयंतियों पर तो आप खूब धूमधाम से पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पैसा देते हैं, खूब मनाया जा रहा है, लेकिन जो असली जो उनकी बचाए की है उसको बुरी तरह से हमारे ही लोगों के द्वारा, लास्ट बस इतना मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे अपने ही लोगों के द्वारा हमारे संविधान को खतरा है। तो इसलिए हमारे हरियाणा में, कोई हरियाणा समझता है यहाँ, मैं लेकिन फिर भी सुनाऊंगी क्योंकि आपने मुझे मराठी में सुनाया था और मुझे कुछ नहीं समझ आया, मुझे अंदाजा से लग रहा था कि ये बोल रहा है, जब आपको नहीं समझ आया, जब मुझे नहीं समझ आया था, आपको भी नहीं आया ना, मैं सब बता रहा। हमारे यहाँ एक काम है, एक कहावत है कि अपना मारेगा छांव में गिर रहा, प्रवीण समझ रहा होगा ये, वो देखता है वो सब TV पे जो आती है, ठीक है आप बता देना सबको मैंने क्या कहा, अपना मारेगा तो छांव में गिरेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जब मारी दिया तो छांव में गिरे या धूप में गिरे क्या फर्क पड़ता है, जब आदमी मरी गया तो उसका तो जो मर्जी करो किसने देखा। हम लोग ये हमारी विडंबना नहीं कि हम लोग जैसे मैं यह प्रण भी लेना चाहती थी आज के दिन कि अगर मैं मरूं तो कम से कम मेरे मरने के बाद मेरी जो डेड बॉडी होगी उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम ना करा जाए, लेकिन मरने के बाद तो देखने तो आता है, अब पीछे से क्या किया आपने ये तो आप ही तय करेंगे। हमारे बहुत सारे लोगों के साथ अब हो चुका है, वो मर जाते हैं फिर उनके घर वाले या रिश्तेदार ये वो उनका अधिकार होता है फिर उसके ऊपर, और हम लोग पहले ही अपने विषय करके नहीं जाते विशिष्ट असिस्ट मतलब फाइनल, जैसे मैंने अभी बोला मैंने लिखा भी था कि मैं चाहूंगी कि जब मैं मरूं तो इलेक्ट्रॉनिक उससे हो, किसी भी तरह का कोई दिखावा ना हो, सीधा एकदम इस तरीके से हो, हमें दिखावा नहीं चाहिए, हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि पीछे से जो गेम खेला जाता है वो सबके साथ खेला गया है। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एग्जाम्पल ही लेके देख लीजिए किस तरीके से बाल बच्चे की हिंसा करने हुई थी, तो ये इससे बचने का एक ही साधन है। खैर मेरा विषय नहीं था, मेरा विषय बस इतना ही था कि हम लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बचारगी को लेकर चल रहे हैं वो वाकई में व्यवहारिक रूप से हो, ये हमारी जयंतियों तक सीमित ना हो, बल्कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, ये जो पैदा जो इस वर्ग में हुए और उन्हें यहाँ तक पहुंचे, सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, तरक्की तो सभी करते हैं अपने लिए, मैंने भी किए। अब देखिए अगर मैं स्कूल में ना जाई होती तो आज यहाँ नहीं होती, तो मेरी तरक्की हुई ना पर्सनल व्यक्तिगत, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत तरक्की है,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की व्यक्तिगत तरक्की नहीं थी। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की व्यक्तिगत तरक्की होती तो वो सबसे पहले प्रधानमंत्री वही होते, लेकिन उन्होंने त्यागा, हर तरह की चीज को त्यागा जो उनको लगा कि ये गलत है। मेरे लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फेमस है, उन्होंने कहा था कि मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ, लेकिन अगर मेरे लोगों के साथ, मेरे समाज के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय होता, आप कोट कर लीजिए ये शब्द उन्होंने कहा था, अगर मेरे समाज के लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई भी न्याय होता है तो तब मैं दलित हूं। तो ये उनका कोटेड है, यही थ्योरी हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ लेकर चलनी है। अंत में सिर्फ एक छोटी सी कविता आप सबके संदेश के रूप में मैं सुनाना चाहूंगी, सिर्फ मैंने खुद लिखी, मेरी अपनी स्वरचित कविता है और इसकी ऐतिहासिक भूमिका ये है कि अभी हमने पिछले दिनों, आप लोगों को पता होगा, रोस्टर के मुद्दे पे हम लोग हंगर स्ट्राइक तक पे पहुंचे, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे लिए हंगर स्ट्राइक हम लोगों ने की, और अगर सोशल मीडिया के जो मित्र हैं उनको सबको जानकारी होगी कि हम लोगों ने किस तरीके से इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, लाठियां खाई बहुत सारी जगहों पर, हमारे जो मित्र थे उन लोगों ने खुद कंट्रीब्यूशन किया हर तरह से, तो तमाम सारी चीजों को झेलते हुए हम लोग रोस्टर के मुद्दे पर इनिशियल पूरी तरह से नहीं जीते, इनिशियल हमने जीत हासिल की, और वो जीत हासिल इस रूप में हुई कि सरकार को मजबूरी में बिल लाना, अध्यादेश लाना पड़ा। हाँ, लेकिन वो हमारी पूरी जीत नहीं थी, ये मैंने आपको बता दिया। एक छोटी सी कविता अंतिम शब्दों में मैं आप सबके सामने, क्योंकि मैंने ये उसी दिन लिखी थी जिस दिन हम लोग हंगर स्ट्राइक पर थे, इसलिए मेरे लिए ज्यादा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हम चीखें, बच्चों से मेरा अनुरोध है कि ध्यान से सुने, ये आप सबके लिए है, आप सब भी लिखें। हाँ, अंतिम शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि लेखन, लेखन बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो कलम है, कलम की ताकत किसी भी ताकत से ज्यादा कई गुना ज्यादा बड़ी है, इसलिए हमें अपने अनुभवों को, हमें अपनी चीजों को लिखना भी चाहिए। तो इसी उसी से प्रेरित होकर मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में उनके उस प्रोटेस्ट के दौरान भारत बंद जब हुआ था, पूरा भारत बंद हम लोगों ने किया था, उस पर हमने ये कविता लिखी। हम चीखेंगे जब जब शिक्षण संस्थाओं का दरवाजा बंद होगा, हम चीखेंगे जब जब शिक्षण संस्थाओं का दरवाजा बंद होगा, हम चीखेंगे जब जब न्याय का हनन होगा, हम चीखेंगे जब जब न्याय का हनन होगा, हम चीखेंगे जब जब हमारे अधिकारों को छीना जाएगा, हम चीखेंगे जब जब हमारे अधिकारों को छीना जाएगा, हम चीखेंगे जब जब हमें अपनी जड़ों से बेदखल किया जाएगा, हम चीखेंगे जब जब हमें अपनी जड़ों से बेदखल किया जाएगा, हम चीखेंगे जब जब मंडल का कमंडल विरोधी होगा, हम चीखेंगे जब जब मंडल का कमंडल विरोधी होगा, हम चीखेंगे जब जब कोई गटर में दफन होगा, हम चीखेंगे जब जब कोई गटर में दफन होगा, हम चीखेंगे जब जब हमारी बेटियों के साथ छल होगा, हम चीखेंगे जब जब हमारी बेटियों के साथ छल होगा, हम चीखेंगे, हम तब भी चीखेंगे जब जब गुनाहगारों को बख्शा जाएगा, हम चीखेंगे जब जब गुनाहगारों को बख्शा जाएगा, हम चीखेंगे जब जब न्याय नहीं फैसला होगा, हम चीखेंगे जब जब न्याय नहीं फैसला होगा, हम चीखेंगे जब जब आरक्षण के साथ खिलवाड़ होगा, हम चीखेंगे जब जब आरक्षण के साथ खिलवाड़ होगा, हम चीखेंगे जब जब संविधान का उल्लंघन होगा, हम चीखेंगे जब जब संविधान का उल्लंघन होगा, हम चीखेंगे, हम चीखेंगे जब तक हमारी आवाज में दम होगा, हम चीखेंगे जब तक हमारी आवाज में दम होगा, हम चीखेंगे जब तक हमारी आवाज में दम होगा, चीखेंगी आवाज मेरी चारों ओर, चीखेगी आवाज मेरी चारों ओर जब जब इस आंदोलन का जिक्र होगा, जब जब इस आंदोलन का जिक्र होगा। जय भीम, जय भारत।